Mission Happy New Year. Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing good. Welcome to a new video, a new day, a new morning with a new year. सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की ये पहली वीडियो है, तो इस वीडियो की इब्तदा हम नए साल की दुआ से करेंगे ताकि नया आने वाला जो साल है वो हमारे लिए खैर और बरकत लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमन वल ईमान والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجبال من الشيطان। और उसके बाद फिर कल शाम कैसे गुजरी, कल शहर को कैसे सजा दिया गया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नूर महल भी स्पेशल शो था, तो जो है कल स्पेशल ये था कि स्पेशल लाइटिंग की गई थी और जो शो था वो इंग्लिश में ही था। नवाब ऑफ बहावलपुर रिसीव्ड द टाइटल ऑफ सीन इन पाकिस्तान ड्यू टू हिज डिवोशन एंड कंट्रीब्यूशंस टू पाकिस्तान। बहावलपुर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड due to its mesmerizing art of wood portraiture, which is shown by regional patterns on the building. Traditional blue pottery is widely recognized as a traditional craft of Bahawalpur. The name blue pottery comes from the eye-catching blue dye used to color the pottery. The Persian art of blue pottery came to this region from Persia and Afghanistan via Mughal emperors. गांव का एक स्कूल है जी, यहाँ से आपको दिखाऊं कि बहुत ही गांव के मतलब जो हाई स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के वो बहुत ही बड़े स्कूल होते हैं। और ये इन स्कूलों की मुझे यही सबसे अच्छी बात लगी है कि यहाँ पे फलदार दरख्त भी लगाए हुए हैं, जैसे ये सारे आम के दरख्त हैं इस तरफ, इस साइड पे काफ़ी सारी सब्जियाँ वगैरह भी लगाई गई हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स का ये होता है कि वहाँ पर बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से वहाँ पे रिसेस के टाइम यानी प्ले एरिया काफ़ी बड़ा होता है उनका, वो खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये जगह थोड़ी सी ऊँची है लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही है सेंटर में। इसमें भी ये देखें तो सब्जियाँ ही लगी हुई हैं, ये देखें इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और यहाँ से वापसी निकलते हुए मुझे ये दरख्त पर लगी हुई बेल दिखाई दी है, इसने ऐसे कह लें कि पुरानी याद ताज़ा करवा दी है। जब पीरियड चेंज होता है या रिसेस होती है या असेंबली का टाइम होता है तब इसको बजाया जाता है। बोला ये शहतूत का दरख्त है और जिसे कहते हैं ना हॉलो ट्री, डस्टबिन बनाया हुआ पूरा, ये खाली है, ये ऊपर से भी है, देखो अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। और सर्दी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम का फ्रूट है कि नू माल्टे हमारे उसके बाग में अब हम जाने लगे हैं, वहाँ पे चल के फिर बाकी वीडियो कंप्लीट करूँगा, आपको दिखाएंगे कि वो बाग कैसे उगते हैं, कैसे उसके बड़े दरख्त या बड़े पौधे होते हैं, फिर उनको तोड़ा जाता है और कैसे पैकिंग की जाती है और मार्केट में फिर उनको मंडी में सप्लाई किया जाता है। ये टर्बाइन है छोटी एक पानी शानी के लिए ज़मीनों के लगाने के लिए, इस तरफ से फिर सारा पानी आगे जाता है। और यहाँ से अब हम आगे मूव कर रहे हैं बाग की तरफ, किन्नू जहाँ पे लगे हुए हैं काफ़ी सारे वो दूर,
उस तरफ हमने जाना है अभी इस रास्ते से। ये देखें जी, ये केले के पौधे हैं, प्याज के साथ, फिर ये पालक है। माशाल्लाह हर चीज जो है बहुत ही खूबसूरत। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, ये किन्नों का भरा हुआ पौधा है माशाल्लाह। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा भाई, जिनकी ये सारी जगह है, ये सारा बाग है। तो मैं इन्हीं से ये पूछ रहा था कि क्या इनका ये तरीक़ेकार होता है, क्योंकि वो सामने वाला बाग एक फ्री हो चुका है और ये सारे भी तैयार हैं माल्टे, तो कैसे ये सप्लाई आगे किया जाता है। तो ये थोड़ा सा हमें इसका प्रोसीजर आप बताएं कि ये कैसे अभी उतारने का काम शुरू हो चुका है और कैसे ये मंडी तक जाएगा। पहले तो इनके आदमी आते हैं, बेचा जाता है इसे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रब्ता करते हैं, फिर वो आते हैं, गाड़ी आती है, वो आदमी आते हैं। पहले तो इसे सारे को काट लेते हैं ना, काट के फिर इसे टापे होते हैं छोटे छोटे से डब्बे, वो होता है 20 किलो का एक होता है, क्रेट जो होता है, क्रेट होता है। अच्छा, उसके अंदर किन्नू डाल लेते हैं, उन्हें पता लग जाता है। फिर उधर जाके ना साइड पे, फिर वो छोटा किन्नू अलहदा कर लेते हैं अलग करके, और बड़ा किन्नू अलग करके अलहदा अलहदा ना टापों में भर लेते हैं डब्बों में। फिर उसके बाद ये गाड़ी जहाँ भी जानी होती है, दूर दूर शहरों में, इलाका जात में जाती है। सही, अब चल रहे हैं हम वापसी घर की तरफ। कोई हार गया, कोई जीत गया, आखिर एक और साल बीत गया। तो नए साल की नई दुआओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।